नमस्कार भाई और बहनों, मैं वलवानी की आंटी और आप सभी देख रहे हैं आंटी जी का प्रिय सेगमेंट जिसका नाम है तेरु बेल मेरु शिशोन। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे आंटी ये शिशोन क्या होता है, तो आंटी आज उसका अंग्रेजी में मतलब सीख के लाई है। अंग्रेजी में शिशोन को कहते हैं नेटल लीव्स। उत्तराखंड में कुमाऊं में इसे कहा जाता है शिशोन और गढ़वाल में कहा जाता है इसे कंडाली। आली 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 तुझे आंटी जी बारी आली। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। बड़े बड़े संस्थानों पर योग दिवस पर पहुंचे दिग्गज नेता और नामी गिरामी हस्तियां। दुख ये देखकर हुआ कि योग गुरु के एक दो आसन कराने में ही हिल गई उन लोगों की हस्तियां। पीछे से बैठी जनता मंद मंद मुस्कुराई। अपना खुद का शरीर तो संभाला नहीं जाता, चले हैं शहर और देश संभालने। देहरादून के एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड कंचन खाती का नाम सोनम गुप्ता बेवफा है की तर्ज पर 200 रुपए के नोट पे लिखा कंचन खाती कुछ नहीं खाती है। पूछने पर उस युवक ने बताया कि मेरा नाम सुरेश है और मेरी गर्लफ्रेंड हर बार मुझे नए नए रेस्टोरेंट में ले जाती है, 4-5 आइटम मंगाती है, बाद में चिड़िया की तरह 2-3 दाने ही चुगती है, बाद में सारा बिल मुझे पे करना पड़ता है, खाने की कटती है बर्बादी क्योंकि कंचन खाती कुछ नहीं खाती। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग का ज्ञान बांटने वाले फूफा जी को उन्हीं के बेटे ने किया ग्रुप से ब्लॉक। पूछे जाने पर उस बालक ने बताया कि साथ ही में चल रहे कजन स्क्वाड नामक ग्रुप में उस बच्चे का मजाक बनाते थे उसके सगे मामा के बच्चे। उसे बुलाया जाता था ज्ञानी का अंडा। शहरों में मोबाइल पर बिजली कड़केगी बारिश आएगी वाले मैसेजों से उम्मीद लगाकर बैठी है जनता। गौरतलब है कि कैलाश चंद पांडे ने अपनी मिसेज और अपने बच्चों को घनन घनन गिर गिराए बद्रा वाले गाने पर सिखाया डांस। उनका कहना है बारिश कभी भी आ सकती है, तैयारी रखो डांस की, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस भीषण गर्मी में कभी भी उनको और उनके परिवार को ठुमके लगाने का मौका मिल सकता है। गर्मियों की छुट्टियों से परेशान एक माँ ने अपने बेटे को कूट कूट के बनाया उसका बर्ता। पूछे जाने पर उस औरत ने बताया एक तो बच्चा होमवर्क नहीं करता है, ऊपर से कहना नहीं मानता है, कम होने को उसकी शकल गई है उसके पति में। एक तो घर में पति नहीं सुनता, ऊपर से ये बच्चा नहीं सुनता, तो पति का गुस्सा भी गलती से अपने बेटे पर निकल गया। ऐसी जोरदार और मजेदार खबरें सुनने के लिए देखते रहिए आंटी का प्रिय सेगमेंट तेरु बेल मेरु शिशोन। नमस्कार। और मेरे यूट्यूब वाले दर्शकों के लिए, जैसे गुड मॉर्निंग का मैसेज इधर से उधर आगे सरकाते रहते हो, वैसे आंटी के भी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे पहुंचा दो लोगों को। पूरे देश में पता चलना चाहिए आंटी क्या क्या वीडियो बना रही है करके।